करेंगे शुरू। जी भाई, बहुत ही दिल पर पत्थर रखे ये सवाल मैं करा रहा हूँ, क्योंकि आगे मुझे पता है अभी दो चैप्टर रहते हैं, रिटर्न असेसमेंट, पीरियड लॉसेस। लेकिन क्या करें, फिर आप सिलेबस को बगाया तो नहीं जा सकता, तो ये न्यूमेरिकल आप कराना पड़ेगा, आपको एक दिन और हमारा लग जाएगा सेल्स टैक्स पे। क्वेश्चन 5 देखी जाएगी आपके जब भी सिलेबस खत्म होता है। क्वेश्चन 5, जहांगीर इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स। सिलेबस क्या जल्दी खत्म करके पता नहीं क्या कमाल आप लोगों ने कर लेना, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब जाहिर बात है जो चीज़ें करनी है तो आनी है ना, पेपर में तो आनी है, करनी भी है, ऊपर ऊपर से तो नहीं गुजारनी। कौन सा पेज है ये? 482। जे इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। जे रन मल्टीपल बिजनेसेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रजिस्टर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017। चलेंगे शुरू है। हाँ जी भाईजान, टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर का क्या करना है? जीरो रेट। इधर देखें पहले, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर 17%, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर 17+3। ये क्या है? एग्जेम्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर। अच्छा, वो होमवर्क वाला सवाल मैं कल डिस्कस कर सकूंगा, अगर उसमें कोई मसला आया, पता नहीं डिस्काउंट शायद समझ आ ही गया हो। अच्छा, एग्जेम्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, और सीईओ को चीजें दी थी वो तो सेल थी, अगर ना देते तो सेल होती। अच्छा, एग्जेम्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर का क्या करना है? एक्सेलेंट, एग्जाम सेल में डाल दें बस। अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचें या रजिस्टर्ड बंदे को बेचें, जब चीजें ही माफ हैं तो हमने टैक्स नहीं लगाना, जैसे बकरा है या होली कुरान है, चाहे रजिस्टर्ड को बेचें चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचें, तो हमें इससे बॉदरेशन नहीं है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? चीजें क्या है? एग्जाम टाइम आ जाओ आगे। अच्छा, इंक्लूड का लफ्ज़ हाईलाइट करवा दें, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कहाँ कहाँ इंक्लूड का लफ्ज़ है? और मार ले नीचे नजर, कहाँ कहाँ इंक्लूड का लफ्ज़ आ रहा है? पहले में है, दूसरे में भी है, और तेरी है छिक के रखा हुआ काम, चौथे में भी है, और तेरी खैर 5 में भी है, 6 में भी है। ठीक है, चलें कोई मसला नहीं। अच्छा, ये पहला क्या है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू, यानी 750 में मसला है। अच्छा, इसके बाद किसमें मसला है जी? टैक्सेबल गुड्स टू, इसमें मसला है। उसके बाद जी, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड 3 मिलियन में मसला है। आगे किसमें मसला है? एक्सपोर्ट इंक्लूड 1 लाख में 550 में कोई मसला नहीं है भाईजान, अभी मुझे वो 550 में मसला है, मैंने 50 में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद आखिर में एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होती हैं? सेल या परचेज? एग्जेम्प्ट सप्लाईज तो एक ही है सवाल में, तो इन सारी फिगर्स को क्या करेंगे फिर? इनर कॉलम में लिखेंगे या आउटर कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे, अभी इधर ही रखें। तो अब क्या करेंगे जी? वर्किंग 1, 2 और 3 शुरू करेगा। चलो, वर्किंग 1, इनपुट टैक्स ऑन अदर्स ऑन मशीन। अच्छा, मैं ना आज वर्किंग 2 तरह इधर कर रहा हूँ, अपोर्शनमेंट, खुली खुली अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट सेल, थोड़ी सी ना जरा खुली वर्किंग करनी है आज इसमें। इनपुट अदर में जरा एक दो लाइनें लिखनी पड़ सकती हैं। इनपुट मशीन टैक्सेबल 0 और एग्जेम्प्ट। और मेरे भाई ये कल आ जाएगा इधर, इधर नीला आ जाएगा, और ये नीचे भी कुछ जगह छोड़नी है। ठीक है, और वर्किंग 3 हमारी क्या होगी? टैक्सेबल सेल। वर्किंग 3 इधर कर लेते हैं यार, न्यूमेरिकल का फेस इंशाल्लाह देखी जाएगी, कहीं और कर लेंगे। ठीक है, वर्किंग 3 कौन सी सेल जी? टैक्सेबल सेल। फिर आज तो जगह खुली है, इसको नीचे कर लेते हैं। रजिस्टर्ड को और अदर्स को और अन
रजिस्टर्ड को। अच्छा भाई, सेल जो है वो आपको पता है तीन किस्म की होती है। एक होती है टैक्सेबल सेल, टैक्सेबल एट 17%, उसमें 17 वाली भी आ जाती है, 3 वाली भी आ जाती है, और एक सेल होती है जीरो रेट, और तीसरी सेल होती है एग्जेम्प्ट सेल। चलें जी, सवाल की पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, जो रात लेट आए हैं, हमने सिर्फ येलो में हाईलाइट किया इंक्लूड का मसला किस किस में था और इनको हाईलाइट कर दिया, तो इनको इनर कॉलम में लिखेंगे या बार बार आउटर कॉलम में? इनर कॉलम में। टैक्सेबल गुड्स टू कतर 100, शायद इसमें कोई मसला हो। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, कितने जी? 750। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर 550। ये भी इनर कॉलम में लिखना है 550। एग्जेम्प्ट गुड्स टू, बस एग्जेम्प्ट है ना, एग्जेम्प्ट है तो एग्जेम्प्ट है, कितने जी? 50। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट, जल्दी जल्दी करें क्योंकि एडजस्टमेंट्स फिर एक्सप्लेन करने में टाइम निकल आता है, अगर आप नोट करने में जल्दी कर लें, यहां तक मेरे साथ आ जाए, वार्म अप होके आया करें। आ जाए। अच्छा भाई, अब आगे क्या करना है? टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, कितना जी? 3000। नोट करें, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 3000। अच्छा भाई, ये जो है ना लाइन अगली वाली जिसको मैं स्काई ब्लू में डाल रहा हूं, ये इंशाल्लाह अभी क्लास पूरी होती है ना तो इसको पढ़ते हैं। असल में ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आज ये न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं, बाकी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, बाकी चीजें आसान है, सिर्फ ये एक वाहिद कॉन्सेप्ट था जो अपने न्यूमेरिकल्स में आपको होमवर्क में दिया जाएगा, और ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अच्छा, एग्जाम गुड्स फ्रॉम, क्या कर रहे हैं यार? और यार गुड्स ही एग्जाम्प्ट है यार, गुड्स ही एग्जाम्प्ट है तो बात ही खत्म होगी। परचेज में 17 दिया होगा, नहीं दिया होगा तो बोले एग्जेम्प्ट गुड्स, कितने की ऑफ रुपीस? ऑफ रुपीस 70 इन एडवांस। डन, आगे बढ़ेंगे। परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, अच्छा चीजें तो टैक्सेबल हैं, लेकिन ऐसे बंदे से जाकर खरीदी जिसने अपना आपको रजिस्टर नहीं कराया हुआ, तो फिर उसे हमने कितने रुपए दिए होंगे? वैसे सोच के बताइए, उसने अपना आपको रजिस्टर नहीं कराया हुआ, 100 रुपए दिए होंगे, तो चीजें टैक्सेबल हैं, लेकिन बंदा क्या है? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जी, ऑफ रुपीज 90। ओके, चलें जी आगे। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, पढ़े पढ़े यार, पहले पहले पॉइंट पढ़ के साथ साथ सारी करें, जल्दी बताएं व्यूअर्स, निकालें पहले पढ़े पकने का लोटे, जल्दी करें ना, पीछे पड़ गए, कुछ और चीज भी कर लेंगे, मेडिकल खत्म हो गया तो क्या करें, क्या डालें, क्या निकालें? कैलकुलेटर प्लीज प्लीज प्लीज, कैलकुलेटर। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू, इस 7.5 लाख में मसला है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? 2 लाख की सेल पड़ी हुई है, तू जानने वाला, यहां पे रुक के बताएं पड़ी कितनी हुई है? 2 लाख की पड़ी कितनी हुई है? 2 लाख की, ऐसा ही है ना, इंक्लूड 2 लाख है। टू एन एसोसिएटेड कंपनी एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ, नॉर्मल डिस्काउंट इज, तो भाई ये रॉन्ग फिगर बताएं कितनी है? 2 लाख। और क्या आप एग्री करते हैं कि ये फिगर जो है वो 75% पे पड़ी हुई है?
क्योंकि इस तक स्पेशल डिस्काउंट माइनस हो गया है। वो बात याद है जो एक दफा मैंने की थी कि स्पेशल डिस्काउंट है 25%, तो 75 की चीज बेची होगी, और अगर नॉर्मल सवाल किया था एक हमने एक बार मेरे ख्याल से, वो थ्योरी में सवाल था, और अगर नॉर्मल डिस्काउंट होता तो चीज कितने की बिकती बताएं। अब 200 को 200 रॉन्ग फिगर है, और ओरिजिनल फिगर कैसे आएगी, बोले बोले हिम्मत करें, 200 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 90 240। अब सिर्फ आपकी आंखों के सामने ये सर्कल होना चाहिए बस, बाकी तो हमने रफ वर्किंग से की है। क्या करें जी, सेल को कितने से निकालें और कितने से डालें, 200 से निकालें और 240 से डाल दें, रॉन्ग को उल्टा दें, ओरिजिनल को रिवर्स कर दें। इसमें कितनी सेल पड़ी हुई है जी? भाई ये वर्किंग 3 जो मैं उधर करता होता था, जिधर लाया हूँ ऐसे मेरा दिल चाह रहा था करीब हो जिधर, तो वर्किंग 2 के इधर लाया हूँ। 200 को निकाल दें और सेल टू प्रवीण, नहीं नहीं उस दिन प्रवीण थी, आज प्रवीण नहीं है, सेल टू एसोसिएट जी बोले ना 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 ऐसे तो नहीं होगा ना यार, हद होगी जमीनर को, अगर आपने कुछ शो नहीं करना तो आप शो फिर घर आके कर दीजिएगा घर वालों के सामने, हद होगी। 200 डिवाइड सुबह सुबह बुलवाते हैं, 240 हमें शो नहीं करना, तो फिर क्लास में क्यों आए हैं, उधर ही रखें शो ऑफ करने। आ जाए पढ़े 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 यार, अगला पॉइंट फारी करें यार, जल्दी करें यार, ऐसे ना किया करें यार, अपनी किताबों से पढ़े। चले मैं ऐसा करता हूं, खोल देता हूं आपको पेज नंबर 445। अब आप जो है वो रिलैक्स होके इस पॉइंट को अपनी किताब से पढ़ें और डिसीजन ले लें। पेज 445 में इधर खोल दिया, पेज 445 है, सेल टू समझ आया कुछ? Yes, चलिए अब जरा ट्राई करते हैं। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, टैक्सेबल गुड्स टू 550 में मसला है, टैक्सेबल गुड्स टू 550, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसने ये लिखा हुआ है 550 इंक्लूड? क्या मैं कह सकता हूं इस लाइन का ये मतलब है कि 550 इंक्लूड? फाइव फिफ्टी में शामिल है 2,00,000 रुपए की सेल टू अ कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला, बेला इलाका है, मैं पता नहीं बलोचिस्तान में कहां है, तो इन बेला या लेला से हमें कुछ नहीं करना, तो इट इंक्लूड सेल टू अ कॉटेज इंडस्ट्री। भाई कॉटेज इंडस्ट्री 2 के अनरजिस्टर्ड है, बट इट इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, इसलिए इसको 17 में डालें या 17+3 में डाला रहने दें इसको, ये तो 17+3 में डाला हुआ है, तो यहां से निकालें सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, इसको रीक्लासीफाई कर देना, रीक्लासीफाई कर दें सेल टू, इसको 17+3 से निकाल के किसमें डालें, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री नॉट लायबल टू बी, तो इसलिए इसको 17 में डाल दें, देखी जाएगी 17+3 से निकाल दें। क्या बात है किया, बात ये बात एक ही कैसे है, हद हो गई, बात एक ही है, बात एक ही है कैसे यार, खुदा का खौफ कर एंड पे इस फिगर पे हमने 3% फर्दर टैक्स लगाना है, मेरी जान निकलने वाली थी आज सेशन का आखिरी दिन है, चलो कुछ नहीं भाई, कुछ और सोच रहे होंगे, मैम यकीन नहीं कर सकता इस बात पे, तो वाह थोड़ा जरा मुझे कूल डाउन होने दो, चलते हैं पानी पी लो, उधर ही रखें कैमरा, मैं बस पानी पी लूँ जरा, फिर अल्लाह अकबर, ना 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 मारी ना मा... अच्छा चलिए वापस आ जाए, कोई नहीं यार हाथ धो, कभी हो ही जाता है। अच्छा जी चले आगे भाई जन, कॉटेज इंडस्ट्री को जो हमने सेल की है ना, अच्छा एक बार याद रखिएगा, मैंने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री की सेल पे 17 लगाना होता है, और कॉटेज इंडस्ट्री से खरीद ले चीजें तो परचेज डेड करनी होती है, एक दिन डायग्राम बना के दिखाई थी शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी डायग्राम, ये देखें कॉटेज इंडस्ट्री को सेल 17% पे जाती है और कॉटेज इंडस्ट्री की परचेज इग्नोर होती है, याद आ रही है जी, लैपटॉप भी गवाही दे रहा है ये पड़ा हुआ है। अच्छा तो कॉटेज इंडस्ट्री की सेल कहाँ डाल दी हमने, 17% में, 17+3 से निकाल के, फर्क तो पड़ता है इससे, फर्क तो पड़ता है। अच्छा द
रेस्ट ऑफ गुड्स, यार ये रेस्ट ऑफ गुड्स का मतलब आप ही बताओगे, रेस्ट ऑफ गुड्स से मुराद कितनी अमाउंट है आप ही बताओगे लेटर के बगैर। द रेस्ट ऑफ गुड्स, एक्सेलेंट, सही बताया आपने, 550 माइनस 200 कितनी, द रेस्ट, रेस्ट होता है बकाया, जिसे बैलेंसिंग कहते हैं, रिमेनिंग। द 350 ऑफ गुड्स, ये देख लेते हैं किसे बेची, 350 ऑफ गुड्स वर सोल्ड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन ज़ोब, ये भी बलूचिस्तान में मेरे ख्याल से, तो एक कोई तालीमी इदारा है ज़ोब में, उसको चीजें बेची हैं। भाई ये जो तालीमी इदारे को चीजें बेचनी है, तालीमी इदारा मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है यार, हाथ धो गई, ये फैक्ट्री है यहाँ में, हाथ धो गई यार, ये एंड कंज्यूमर है, सर आसिफ नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सर आसिफ अलग है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलग चीज होती है, तो ये कौन है? तो भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने क्या करना है चीजों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने जो है वो बल्ब बना के बेचने आ गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने इसी बना के बेचने हैं चीजों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने इस्तेमाल करके फेंक देने चीजों को। तो भाई मेरा सवाल भाईजान सिर्फ ये है, जो असल बात है ना वो मैं आपसे जरा पूछने लगा हूं, वो आपने डंके की चोट पे बतानी है। इज कॉटेज इंडस्ट्री लायबल टू बी रजिस्टर्ड? एक्सलेंट। इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट लायबल टू बी रजिस्टर्ड? हमारी बला से बेला लेला जोब, हमें से कोई कंसर्न नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। कॉटेज इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर नॉट लायबल टू बी, आप बता दें इनकी सेल किस पे डाला करें, 17% पे, डन। अब यार बकाया सेल किसकी है, 550 में से बकाया किसको है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो इनको जो मैंने सेल की है वो 17% पे करूं या ये भी बुरे बच्चे हैं, ये बुरे बच्चे नहीं है। वैसे रेस्ट ऑफ रेस्ट बची कितनी थी, 550 में 350 को यहां से निकाल दूं? Yes, कुछ तो मेरे पास रहने दो, सब कुछ मेरा लेके जा रहे हो, चुप, खुदा के लिए कुछ तो रहने दो, कुछ तो, चुप। सेल टू एजुकेशनल, दीज आर नॉट, ये जो क्या कहते हैं आप इसको, दो लकीरें टेढ़ी टेढ़ी, चलें जो भी कहते हैं आप इसको, इन्वर्टेड कॉमास नहीं कहते इसे, चुप है हमारे बंदा, इन्वर्टेड, यार इतना तो मुझे बताइए कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं कहते, वो ऐसे होते हैं। चलें जी आगे बढ़े। हाँ यार इसका क्या करना, पॉइंट 3 का करें यार, साथ साथ फारी करें इसको, जल्दी करें यार। सिनेरियो कौन सा यार, ये क्रेडिट नोट वाला, एक्सेलेंट भाई, ये तो जबरदस्त आपने ये पकड़ लिया, रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस। तो सिनेरियो कौन सा वाला है, क्रेडिट नोट ऑफ 1 लाख वाज इशूड बाय जेए टू अ कस्टमर। यार जेए टू अ कस्टमर, जेए डॉलेंस जैसा है या होंडा जैसा है, और कस्टमर ऐसी जरा समझने के लिए, जेए किस जैसा है, डॉलेंस जैसा है, और आपको याद है कस्टमर हमने होंडा रखा हुआ था उधर, ये तो डॉलेंस और होंडा जैसा है। तो अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड बाय सेलर, जे ए तो हम है ना, अ क्रेडिट नोट वॉज इशूड बाय सेलर टू अ कस्टमर, ये हम सेलर हैं, हमने अपने ग्राहक को, दुकानदार ही अपने ग्राहक को नोट इशू करता है ना, ऑन रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस। जरा सेल प्राइस पे देखते हैं, सेलर क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जरा देखाते हैं, पता चल रहा है कि सेल प्राइस रिड्यूस हो रही है, तो सेल प्राइस रिड्यूस पे सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है, ओहो दूसरा इशू करता है, लेकिन वो डेबिट नोट होता है, हाथ धोगी दोनों इशू करते हैं, वो दूसरा कैसे इशू कर सकते हैं क्रेडिट नोट, वो तो डेबिट नोट इशू करता है सुबह सुबह। तो सी कैलकुलेटर नो तोड़ो, पेज नंबर 473, भाई सेल प्राइस रिडक्शन का सिनेरियो है, और सेलर की जिम्मेदारी कौन सा नोट इशू करना है, क्रेडिट नोट इशू करना है, डन। अच्छा वैसे मुझे ये बता दें, इसे सेल प्राइस क्या होगी, कम सेल, जगह ही नहीं बची, सेल प्राइस क्या होगी क्रेडिट नोट इश्यू करने से, पहले आपको पता चल गया चौथा सिनेरियो है, चौथे सिनेरियो का हेडिंग क्या है, सेल प्राइस कम होगी, और हम कौन है, जे सेलर, सेलर सेल प्राइस कम कर रहे, सेलर सेल प्राइस कम कर रहे, सेल प्राइस कम होने से आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से हकूमत को नुकसान होगा, ये लिखने से एडजस्टमेंट पे, आउटपुट कम हो रहा है, आउटपुट कम होने से हकूमत को नुकसान होगा, इस एडजस्टमेंट के साथ लिखिए, पॉइंट 3 के साथ। सेल कम हो रही है, आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा, ये एडजस्टमेंट कितने दिनों में कर सकते हैं, 180 डेज में। अच्छा चलें अभी इस बहस को साइड पर रखें, कि
क्या कहते हैं, ये एडजस्टमेंट होनी है या नहीं होनी, इसको भी साइड पर रखें। बिल फर्ज अगर होनी हो तो सेल कम कहां जाके करें, किस वर्किंग में? बिल फर्ज अगर होनी हो सेल का हम कम कहां करें, जल्दी जल्दी बताएं, वर्किंग टू में, वर्किंग थ्री में, यहां पे जाके सेल कम कर देंगे। जैसे सेल रिटर्न वगैरह इधर आती है तो इधर सेल कम हो जाएगी, क्लियर? तो सेल कम होनी है, ठीक है। कैसे पता चला हम सेलर हैं? जे ए इशूड टू अ कस्टमर, कस्टमर को हमने इशू किया नोट। तो चौथे सिनेरियो में आपको पता है सेलर इशू करते हैं क्रेडिट नोट। द गुड्स वर सोल्ड इन नवंबर, द गुड्स वर सोल्ड इन नवंबर, ये फरवरी है यार, फरवरी है और ये नवंबर है। अब दिन तो गिन नहीं सकते 180, मोटा मोटा गिने जरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। शायद मैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि नवंबर को गिनूं या ना गिनूं, क्योंकि नवंबर की तारीख नहीं पता, तारीख नहीं पता, तो मैंने कहा था चले जकम नवंबर ले लें, रिज्यूम कर लें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को, तो अभी तो 4 महीने गुजरे हैं, मेरे ख्याल से 6 महीने में 180 दिन होते हैं, 6 महीने में तो 183 दिन होते हैं, 6 महीने से 2-3 कम में 180 दिन हो जाते हैं, तो क्या ये एडजस्टमेंट की जा सकती है? ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, हुकूमत को नुकसान है, सो एडजस्ट इन ओनली 180 डेज। तो इधर आके लिखें 180 डेज नहीं गुजरे इसलिए हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पॉइंट थ्री के साथ लिखें 180 डेज नहीं गुजरे इसलिए हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सेल कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा ना, सेल प्राइस रिडक्शन कहां डालूं? सेल प्राइस रिडक्शन, सेल रिडक्शन, सेल प्राइस रिडक्शन ड्यू टू डेबिट नोट, जो भी लिखते हैं आप अंग्रेजी, ड्यू टू क्रेडिट नोट, सॉरी। अच्छा भाई, अब मैं सेफली कह सकता हूँ कि किसी भी किस्म के एडजस्टमेंट आगे डेबिट क्रेडिट नोट की हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो अब होमवर्क में अगर किसी सवाल में कोई और एडजस्टमेंट आई तो उसको भी फिर याद कराइएगा, डिस्कस कर लेंगे। अब एक बात लिख लें जरा उर्दू में, अगर नवंबर 16 की बजाय अप्रैल 16 लिखा होता, अगर नवंबर 16 की बजाय अप्रैल 16 लिखा होता तो अब आगे तो खुद ही फिल कर लें आगे, अगर नवंबर 16 की बजाय अप्रैल 16 लिखा होता तो हम तो फरवरी में खड़े हैं ना, हम फरवरी में खड़े हैं ना, फिर तो बहुत देर हो जाती, फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करते, फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करते, व्हाई? 180 डेज गुजर गए। ये पॉइंट फोर के लिए ना मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं, पॉइंट फोर पढ़ के देखने कौन कौन सी चीजें माइनस करनी है, कौन सी नहीं करनी। इंक्लूड हुई चीज को क्या करते हैं, माइनस करते हैं या नो? नहीं, इंक्लूड हुई चीज को माइनस या ऐड नहीं करते, इंक्लूड तो हुई होती है, या माइनस करते हैं या इग्नोर करते हैं, इंक्लूड हुई चीज को या माइनस करते हैं या इग्नोर। देखिए बड़ा आसान होता है, 3-4 में से ना 3 एडजस्टमेंट्स तो समझ आई जाती है, कोई एक टफ टाइम देती है, आधे मार्क्स लेने सवाल में आसान होते हैं, हर सवाल में तैयारी अच्छी हो तो। पॉइंट फोर हो गया, डन, पढ़ लिया, चले आज। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर 2 लाख विच वॉज कमीशन इन टू ऑपरेशन इन फरवरी। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर मैंने आपको लिखवाया था कि ये मशीन की तरह डील करना है आपने, ठीक है, तो ट्रीट लाइक मशीन लिख लें, ट्रीट ब्लेड नहीं लिखना, ट्रीट लाइक मशीन, इसको मशीन की तरह लेना है। तो क्या करें अगर मशीन की तरह इसको लेना है, इसके इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करें 90% तक, या मशीन वाले इनपुट में रखें ताकि 90% तक रिस्ट्रिक्ट ना हो, इसको भी मशीन वाले इनपुट में डालें क्योंकि इससे तो फर्क पड़ता है ना माई डियर, क्योंकि मशीन वाले को 90% तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता। यदि इसको रिक्लासीफाई टाइप एडजस्टमेंट है, जैसे इधर से इधर जा रही थी चीजें वैसे ही, इसको निकालें यहां से, इस पे हमने जरूर लगा 200, सवाल में खत्म नहीं हो रहे, 200 के 6 तो आ गए, 200 ये 200 पता चल गया कौन सा वाला है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जी 17% साथ साथ लगाना है, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, यू राइट, 17% साथ साथ लगाना होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे, ऑफिस इक्विपमेंट तो फैक्ट्री में यूज होगा या ऑफिस में? ऑफिस में यूज होगा, वो डायग्राम याद है, एक बार बनाई थी अनारकली वाली डायग्राम के नीचे वाली डायग्राम। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर वेयरहाउस एंड एन एयर कंडीशनर ऑफ 30,000 फॉर न्यू ऑफिस। तो वेयरहाउस वो जगह होती है जहां हमने सामान स्टोर किया होता है, वेयरहाउस कोई मशीन ही चीज, तो वेयरहाउस के लिए अब जी बिल्कुल
सही तरह लिया कर यार, पता चले। तो भाई ये जो है ना पेज 450, ये तो अनारकली वाली डायग्राम है, ठीक है। ये एडमिन ऑफिस है, तो एडमिन ऑफिस हो या वेयर हाउस हो, कुछ भी हो भाई जन, फैक्ट्री की मशीन पे इनपुट लगाने की इजाजत है और फैक्ट्री के बिजली के बिलों पे इनपुट वगैरह लगाने की इजाजत है और रॉ मटेरियल के इनपुट पे लगाने की इजाजत है, लेकिन ये जो ऑफिस इक्विपमेंट वाला इनपुट है इसके बारे में तो सेक्शन 8 वाजे तौर पे इसका आई पॉइंट कहता था, गाड़ियों पे भी इनपुट लगाने की इजाजत नहीं है, गाड़ियों की परचेस पे, बिजली की चीजों पे भी इनपुट लगाने की इजाजत नहीं है अनलेस के वो सेल के लिए खरीदनी हो। तो ये तो मैंने सेल के लिए नहीं खरीदी हुई मेरे भाई, ये मैंने सेल के लिए नहीं खरीदी हुई, ये मैंने किस मकसद से खरीदी हुई है जरा बताएं जी। बिल्कुल, ये मैंने ऑफिस के यूज के लिए खरीदी हुई है, ऑफिस इक्विपमेंट फॉर वेयर हाउस एंड एयर कंडीशनर फॉर न्यू ऑफिस, फॉर सेल लिखा हुआ है, फॉर यूज होगा, फॉर यूज के लिए होगा, तो इसलिए अब क्या करें, इसको बोले माइनस करते, कितना माइनस 50 और माइनस 30, 50 क्या है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 50 और परचेज ऑफ एसी ऑफ रुपीज 30। आगे बढ़ेंगे, एन अमाउंट ऑफ 30,000 पेड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए अमाउंट पे की है, एन अमाउंट ऑफ 30,000 पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेड पैसे पे कर दिए, हाउएवर ओनली 30% ऑफ द गुड्स वर सप्लाइड ड्यूरिंग फरवरी, तो चीजें मिली कितनी है, फॉर विच सेल्स टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय सप्लायर, जिसके लिए उसने सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू किया। अच्छा यार मुझे ये बताएं, कैश पेड सारी चीजों का हो गया लेकिन बिल मेरे पास उतनी चीजों का आया है जो आई हैं, तो फर्ज करें मैंने 10 कार्टन मंगवाए किसी चीज के, कार्टन होते हैं ना डब्बे, 10 डब्बे मंगवाए, 10 डब्बों के पैसे दे दिए मैंने 30,000, 3,000 शायद देख के हूं, 10 डब्बों के पैसे दे दिए मैंने, लेकिन अभी अनलकीली 30% चीजें आई हैं जिनका बिल भी आ गया है। मुझे बताएं मैं कितनी चीजों का बिल होल्ड कर रहा हूं, हाथ में पकड़ा होगा, कितनी चीजों का बिल हाथ में पकड़ा होगा 30% का। एक सेक्शन जाने मैंने आपको बताया था, जब तक आप बिल होल्ड ना कर रहे हो आप इनपुट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो बताइए मैं बिल होल्ड कर रहा हूं चीजों का, सिर्फ कितने परसेंट चीजों का बिल होल्ड कर रहा हूं, 30% का होल्ड कर रहा हूं, तो मेरी जेन्युइन परचेज कितनी होगी फिर जो अलाउड होगी, 30% परचेज मुझे रिकॉर्ड करने की इजाजत है, लेकिन मैंने परचेज में पूरी 30,000 डाल दी हुई है, तो 30,000 का 30% तो सही है, उसको मेरे ख्याल से इंक्लूड रहने दें, उसको इंक्लूड रहने देना, तो कितने परसेंट निकाल दें, समझ आई कोई, ठीक है। तो जाली परचेज कितनी है और जेन्युइन, जाली से मुराद फेक इनवॉइस नहीं है, लेकिन लॉ मेकर को भी पसंद नहीं है जब तक बिल होल्ड ना कर लें। सेक्शन 7 का 2 याद है, 7 का 2, सेक्शन 7 का 1 1 नहीं 2 2 था, सेक्शन 7 के 2 में लिखा हुआ था, जब तक आप बिल होल्ड ना करें तब तक आप इनपुट रिकॉर्ड, ही होल्ड्स अ बिल, तो कितने बिल होल्ड कर रहे हैं, तो 70% बिल्स, 70% इनवॉइसेस नॉट हेल्ड, 70% बिल हमारे हाथ में नहीं है, तो कितने परसेंट बिल हाथ में है, तो परचेज इंक्लूड है, इंक्लूड जब लिखा हो तो ये सोचना होता है क्या हो चुका है क्या करना है, सारी परचेज डली हुई है, कितनी डलनी चाहिए, कितनी निकाल दें, 70%, और अगर सवाल में इंक्लूड ना लिखा होता फिर तो 30% डायरेक्ट डाल देते, फिर तो 30% डायरेक्ट डाल देते, जब इंक्लूड लिखा हो थोड़ा सोचना पड़ता है, कितनी डली हुई है, कितनी डली हुई है, सारी डली हुई है, कितनी नहीं डली होनी चाहिए थी वो निकाल दें, नहीं नहीं इस तरह शो करें ना उस एग्जामिनर को पता चले 30 का कितने परसेंट, 70% निकाल दें, तो बाकी कितना पड़ा रह जाएगा फिर, तो ये 21 रुपए लिख दें, आपकी मर्जी है 21 लिखना 21 लिख दें, इसका दिल चाह रहा है 21 लिख दे, लेकिन बेहतर एग्जामिनर को शो कर दें, अगर 21 लिखना तो फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख दें 30 × 70%, लेकिन 21 को निकाल के आप कुछ करना नहीं है, कहीं और नहीं लेके जाना, आगे वायर्स एंड केबल्स हैं यार, यार वायर्स एंड केबल्स में बताऊं आपको, वायर्स एंड केबल्स अगर अनारकली के साथ है ना तो फिर तो नॉट अलाउड है, पॉइंट नंबर हमारा था एच, अगर वायर्स और केबल्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर के लिए है ना फिर नॉट अलाउड है, लेकिन अगर वायर्स और केबल बेचने के लिए हैं तो फिर अलाउड है। अब देखते हैं वायर्स और केबल्स किस लिए हैं, द वायर्स एंड केबल्स ऑफ 50 एंड इलेक्ट्रिकल सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ 90, दीज आइटम्स आर यूज्ड इन रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग विद अनारकली,
तो फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर है ना ये, तो फिर नारकली के साथ है, तो फिर भाई क्या करेंगे इसका, इस परचेज को डेड कर देंगे। पॉइंट नंबर कौन सा? एच। ऐसी गर्मी को किताब देख ना ले। पॉइंट नंबर निकालें जी, क्या चीजें हैं? अब मेरे पास अलग अलग लिखने का टाइम नहीं है। वायर्स, केबल्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह 50 प्लस इनएडमिसिबल। ऐसे ही है ना, ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, उधर ही रखें। चलें जी इधर ले आए, मजा आ रहा है आज। पॉइंट फाइव, एक्सपोर्ट सेल इंक्लूड सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ 20,000 टू रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा इलाका होगा पाकिस्तान में जहां से चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे सियालकोट वगैरह। अच्छा, हम ये बात हुई भी एक दफा, हम एक्सपोर्टर हैं या हमने ऐसे एक्सपोर्टर, हमने एक्सपोर्टर को बेची है? एक्सेलेंट, हमने एक्सपोर्टर को बेची है, इसलिए हमारी बला से कि उसकी सेल एक्सपोर्ट है या नहीं, हमारी सेल तो लोकल सेल है ना। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पाकिस्तान में है भाईजान, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बाहर के मुल्क में नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उस इलाके को कहते हैं जहां से लोग चीजें एक्सपोर्ट करें, जैसे सियालकोट वगैरह और शहर। तो हमने चीजें बेची हैं ऐसे रिटेलर को जो किसी जोन में है, उस जोन से उसने चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो उसने एक्सपोर्ट करनी है ना, तो मैंने, मेरी तो लोकल सेल है। अच्छा, मैंने गलती से एक्सपोर्ट में डाल दी है, अब क्या करूं? एक्सपोर्ट से निकाल दूं। रिक्लासिफाई कैसे करूं बताएं? एक्सपोर्ट से निकालें और इसमें डाल दें, टैक्सेबल में डाल दें। टैक्सेबल है ना, लेकिन यहां इसी तरह नहीं डालेंगे ना, ये तो इसकी तो वर्किंग हो रही है। एक्सपोर्ट, हाँ, सेल टू रिटेलर जी, कितना? वो एक्सपोर्टर है, हम एक्सपोर्टर हैं, तो हमने एक्सपोर्ट सेल में फिर क्यों डाला इसको? हम एक्सपोर्ट सेल से इसको निकाल दें, ठीक है। चलें अगला पॉइंट, अच्छा भाई ये ना एक बंदा है टैक्सेबल सेल करता है, 50 गाड़ियां बेची और उसमें दो गाड़ियां ना शुरू शुरू में लॉन्च हुई थी, सैंपल बेस पे दे दी किसी को, ठीक है। तो 50 गाड़ियां बेची, फिर दो गाड़ियां सैंपल के तौर पे शुरू में किसी को दी थी, भाईजान ये सेल में ना 52 गाड़ियों की सेल डालेगा। अच्छा, ये तो उस बंदे की बात होगी जो टैक्सेबल सेल करता है। एक बंदा है होली कुरान बेचता है, ये कौन सी सेल है? एग्जेम्प्ट सेल। इसने पहले तो दो कुरान किसी को सैंपल बेस पे बेचे और फिर इसने 50 कुरान जो है वो पैसों के बेचे, इसके 52 के 52 कुरान एग्जेम्प्ट होंगे, ऐसा ही है ना। तो जो बंदा टैक्सेबल सेल करता है उसके सैंपल टैक्सेबल है, जो बंदा एग्जेम्प्ट सेल करता है उसके सैंपल भी एग्जेम्प्ट है। डज इट मेक सेंस? एग्जेम्प्ट सेल वाले को हम ये तो नहीं कह सकते तो एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल बेचे तो उन पर टैक्स लगाएंगे हम। तो जो टैक्सेबल सेल करता है वो टैक्सेबल चीजों के सैंपल दे तो वो टैक्सेबल है। होंडा 50 गाड़ियां बेचे और दो गाड़ियां मुफ्त में दे दे, 52 गाड़ियों पे हुकूमत को टैक्स देगी। होली कुरान वाला 50 कुरान बेचे और दो कुरान किसी को सैंपल के तौर पे दे दे, 52 के 52 ही क्या होंगे? तो जब होली कुरान एग्जेम्प्ट है तो उसके सैंपल भी, जब गाड़ियां टैक्सेबल है तो उसके सैंपल भी। अब बताएं जरा, पढ़े एग्जेम्प्ट सेल में पड़ा हुआ है सैंपल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, एग्जेम्प्ट सेल में एग्जेम्प्ट गुड्स का सैंपल पड़ा हुआ है, वैल्यू ऑफ गुड्स तो इंक्लूड हो, 10 पड़ा रहने दे, लिखें एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, इसी तरह लिखिएगा जरा, एग्जेम्प्ट चीजों के एग्जेम्पल सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, इसी तरह लिखिएगा, एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, जरा सॉफ्ट करके लिखिएगा, एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, अंडरलाइन करके सॉफ्ट लिख लें। अच्छा, आपने क्या डाल दिया? फूल डाल दिया, शुभ्र पत्ते नहीं डाले। अच्छा, तू बाल सेट कर ले, तो इसमें ना छोटा सा बस लिख दें इंक्लूडिंग सैंपल्स, इसमें सैंपल पड़े रहने दें,
इस तरह कुछ एग्जामिनर के लिए लिखाइएगा और क्या लिखना है इसमें हमने इसमें सैंपल पढ़े रहने दें अमाउंट लिखनी है अमाउंट इंक्लूडिंग सैंपल ऑफ कितने 10 जो भी है जब न्यूमेरिकल का फेस तो घर जाकर बना लेंगे ना एडजस्टमेंट्स को मैं तसल्ली से डिस्कस करूँ फेस तो बस बना लीजिएगा ओके अच्छा ये जो एडजस्टमेंट्स है ना दो अब ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं इनपे तकरीबन जो है वो हमारे 15-20 मिनट लग जाएंगे एक ये जो मैंने ऊपर स्काई ब्लू में की हुई है और ये जो नीचे मैं स्काई ब्लू में कर रहा हूँ ठीक है जी एक वो पैकिंग मटीरियल वाली और एक ये नीचे मशीन वाली फल फल शोर ने कहा आई परचेज्ड फल फॉर माई फैमिली फॉर माई अब्बू अम्मी खाएं बीवी खाए बच्चे खाएं आई परचेज फल फॉर माई फैमिली आई परचेज फल फॉर माई फैमिली समझ आ गई तो तीनों को होंगे ना तीनों को तकसीम होंगे ना ये वर्किंग टू अपोर्शनमेंट वाली फल परचेज किए हैं तीनों को तकसीम होंगे डन अच्छा कीमा आई परचेज कीमा आई परचेज कीमा फॉर माई पेरेंट्स अब ये तीनों को तकसीम होगा आई परचेज कीमा फॉर पेरेंट्स फलों के साथ क्या बोला था आई परचेज फल फॉर फैमिली बिरयानी समझ तो गए होंगे आप बिरयानी आई परचेज बिरयानी फॉर बीवी बच्चे छोटे हैं अभी आई परचेज बिरयानी फॉर बीवी चॉकलेट आई परचेज चॉकलेट फॉर बच्चे आई परचेज चॉकलेट फॉर बच्चे अच्छा शॉर्मा कर लो आई परचेज शॉर्मा फॉर बीवी बच्चे खुद नहीं खाना कुछ रिलैक्स आई परचेज शॉर्मा फॉर बीवी बच्चे टैक्सेबल सेल जीरो रेट सेल यार हाथ होगी यार एग्जाम सेल चलें टायर आई परचेज टायर बस पेपर में ये लिखा हुआ था अब क्या करें तीनों में तकसीम कर रहे हैं आई परचेज तीनों में तकसीम कर दें बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ पेपर में आई परचेज वायर्स फॉर यूज इन फैक्ट्री तीनों में आई परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर जीरो रेट सेल शायद ये चीजों की पैकिंग नहीं करनी पड़ती पाकिस्तान में बेचते हैं ये पैक करके बेचते हैं बाहर के मुल्क में आई परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर जीरो रेट सेल तो फिर ये इसको तीनों में पोर्शन करेंगे तीनों में पोर्शन नहीं करेंगे क्लियर समझ आ गया अच्छा जिस परचेज के साथ कुछ ना बताया हो तो वो तो फलों की तरह है जो घर में ला के रख दिए सारे खाएं जब बिरयानी तो शोर जो है वो लैपटॉप के बैग में डाल के लेके जाएगा ना बीवी के लिए ठीक है तो अच्छा वापस आ जाए तेरे छोड़े यार क्या बातें शुरू होगी आए जी परचेजेस में आए परचेजेस में आए वो कह रहे बैग बड़ा वाला लेना अच्छा अच्छा अभी हुई नहीं अच्छा जी पढ़े भाई परचेजेस परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड फॉर दिस परचेज इज फॉर एंड दिस परचेज इज फॉर एग्जेम्प्ट सेल अच्छा वैसे मुझे बता दें परचेजेस के लिए कौन सी वर्किंग है वन परचेज के लिए कौन सी वर्किंग है लेकिन भाई आज के बाद ना ऐसी परचेज जो किसी खास बंदे के लिए घर में लेके आए आप उस परचेज को मैं वर्किंग वन में नहीं डालूंगा 1.1 भी हो सकता है लेकिन किताब में मैंने 2.1 में डाला हुआ था कि इधर से ही इनको तकसीम कर दें जिसको जो करनी है ये जो काला आना है ना और ये जो नीला आना है काले और नीले को इंशाल्लाह मैं तीनों में तकसीम करूंगा मुझे जरा याद कराइएगा वो पुराना काला और नीला इनको मैं तीनों में तकसीम करूंगा आज पीला जर्द पता नहीं क्या क्या आएगा आज इधर उनको भी तकसीम करना पड़ेगा लेकिन जर्दे को तो किसी किसी को देना है वरना घी वाला होगा ठीक है तो काले नीले पे पुराने रूल लेकिन आज जरद आ रहा होगा लाल आ रहा होगा हरा आ रहा होगा उनको फिर देखना पड़ेगा किसमें तकसीम करना है डन रेडी शुड आई स्टार्ट अच्छा यार ये जो टैक्सेबल सेल है ना टैक्सेबल सेल की ना डेफिनेशन हमें पता होनी जरूरी है क्या 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 लगे
पेज नंबर 439 भाई टैक्सेबल सेल में याद रखिएगा सभी सवाल साइलेंट और टैक्सेबल में फिर 17% भी आ जाती है और जीरो रेट भी आ जाती है। टैक्सेबल एट 17 एंड जीरो टैक्सेबल एट 17 एंड जीरो। अच्छा अब आपको क्या फीलिंग आ रही है आपने परचेज किया पैकिंग मटेरियल व्हाट यू आर फीलिंग आपको क्या फीलिंग आ रही है जो आप लेके आए हैं पैकिंग मटेरियल सबके लिए किसी खास लोगों के लिए कभी लिखा होता था परचेज के साथ आगे मकसद फॉर लिखा होता था इन परचेज का मकसद लिखा हुआ इस परचेज का मकसद लिखा हुआ इस परचेज का मकसद लिखा हुआ परचेजेस के साथ मकसद लिखे होते थे आज मकसद लिखा हुआ तो आज के बाद फॉर जो है ना फॉर आज के बाद होमवर्क्स में ये फॉर वाली चीजें भी आया करेंगी अभी तक होमवर्क में मैंने रोक के रखी हुई थी अभी इकट्ठी लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। तो ये परचेजेस किसके लिए है फॉर पाकिस्तान में जो गाड़ियां बिक रही हैं और जो बाहर के मुल्क में गाड़ियां बिक रही हैं उनके लिए है ये वो पैकिंग मटेरियल है तो पैकिंग मटेरियल में जहां मर्जी यूज करूं मेरी मर्जी मेरा बिजनेस जी ये परचेज किसके लिए है ये परचेज किसके लिए है फॉर टैक्सेबल एट 17 फॉर टैक्सेबल एट हाथ को आपने ऐसे ढीला छोड़ना फिर परचेज फॉर देखें दोबारा देखें परचेज फॉर इस लिफाफे को आपने रखना नहीं है उधर टेबल पे नहीं जाकर रख देना इस लिफाफे को जरा फॉर टैक्सेबल एंड ये अबू अम्मी और बीवी के लिए बच्चों के खाने वाली चीज नहीं है ये अबू अम्मी और बीवी के लिए फॉर टैक्सेबल एंड वर्किंग 2.1 वर्किंग 2.1 पैकिंग मटेरियल परचेज की है फॉर फॉर टैक्सेबल एट 17 एंड जीरो ये हेडिंग बन गई हमारी ये हेडिंग बन गई आपको पता है इनपुट पे 7-7-17 लगाना होता है 7-7-17 लगाना होता है पकड़े इनपुट कितने परचेज कितनी है परचेज 200 पे 17% क्या जवाब आया 34 मैं किस किस में तकसीम कर दूं टैक्सेबल और अभी टैक्सेबल और जीरो निकली नहीं तो मैं पहले टैक्सेबल जीरो निकाल लूं फिर इंशाल्लाह इसको साथ ही पोर्शन भी कर देता हूं पक्की बात चेक कर ले भाई रीचेक कर ले भाई जल्दी 1260 अच्छा जी ये 1260 इधर आ जाएगा भाई 1260 ये 100-20 80 और ये 50 टोटल हमारी ब्लास्ट है छोड़ें अभी अभी काला नीला तो नहीं आया अभी काला नीला तो नहीं आया लेकिन आज हरा आ गया हरे को इन दोनों में फेंकना है यार कैसे फेंके जरा पकड़े 34 के टुकड़े कर सकते हैं टोटे कर सकते हैं 34 के फॉर 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 टैक्सेबल एट 17 फॉर 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 टैक्सेबल एट जीरो कल भी हमने फॉर्मूले शॉर्मूले लगाने सीखे थे कैसे तोड़ते हैं चीजों को 34 को कैसे तोड़ूं 34 को डिवाइड हिम्मत करके डिवाइड बताएं किससे करने एक्सलेंट इस टोटल ये टोटल परेशान करेगा आपको डिवाइड इन दोनों से करने और मल्टीप्लाई फिर ये टैक्सेबल का आ जाएगा और ये 1260 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय आज क्या करें समझ आ गई बताएं यार तो लॉजिकल सी बात है ना इन दोनों को तकसीम कर दो बस इन दोनों तीनों में तकसीम करें दोनों में फिर आगे अगले फिर 34 पूरा नहीं होगा वैसे 30 यार वैसे अगले की जरूरत नहीं अगला 2 ही आएगा 34-32 2 ही आएगा लेकिन अगला अगर आपको फिर भी चेक करना है तो कैसे निकलेगा 34 डिवाइडेड बाय 1260 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 80 क्लियर काला नीला हरा हरे को तोड़ दिया दो में डन इसको इंशाल्लाह आपने मुझे बताने फेस पे कैसे लेके जाने थोड़ी देर में यहां पे मैं लेके आऊंगा चले आगे नोट कर लें बात बड़ी आसान है बहुत आसान है कोई मुश्किल बात नहीं है अगर अबू अम्मी वाली मिसाल बीवी वाली तो याद रह जाती है मिसाल दान निकले हैं इसके भाई से मुस्कुराहट बंद नहीं हो रही कह रहे मुझे ही पकड़ा हुआ है ले आओ भाई ये पैकिंग मटेरियल किसके लिए है नहीं और यार ये हो गया ना अब ये वाला परचेज फॉर अम्मी अबू एंड बीबी हो गई क्योंकि ये थोड़ा सा टैक्सेबल सेल कंफ्यूजिंग सा लगता मैंने आपको बता दिया टैक्सेबल सेल से ना लिखा अच्छा कभी भी ऐसा भी लिख सकते पेपर में टैक्सेबल एट 17 के लिए
या टैक्सेबल एट जीरो के लिए, तो फिर तो जो बता देगा वो ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखेगा तो टैक्सेबल से मुराद क्या होगा? टैक्सेबल एट 17, टैक्सेबल एट जीरो। फॉर ये परचेज किसके लिए? फॉर एग्जेम्प्ट सेल। ये परचेज किसके लिए? फॉर एग्जेम्प्ट सेल। फॉर यहां थक जाएगा, दो क्लासें और पढ़ानी है। फॉर वर्किंग 2.2, ये पैकिंग मटेरियल मैंने परचेज किया है फॉर एग्जेम्प्ट सेल। क्लियर यार? इस पे परचेज में ना 17% लगाते रखें, रहने दे। आप कितनी है? 60। आप उधर नहीं लेके गए? अच्छा 60 × 17% नहीं, परचेज पे तो 17 लगेगा ना, इधर एग्जाम सेल आके डेट हो जाएगा, मुझे पता है इधर आके डेट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम सेल के लिए जो परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने होली कुरान बेचने हैं तो कागज की परचेज पे तो आप 17 पे करेंगे ना। मिसाल के तौर पे आपने कारपेट बेचने तो धागे की परचेज पे तो 17 पे करेंगे ना। तो ये परचेज एग्जाम सेल में बाद में यूज होनी है, पहले परचेज तो डाले ना इसकी। मुझे पता है ये ऊपर जाकर डेट हो जानी है, शायद ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये भी मुझे पता है। लेकिन परचेज पे 17 तो मैंने पे किया होगा, बाद में डेट हो जाना मेरा 10.2। क्लियर? अब आप मुझे बता दें, काला, काला, नीला, हरा, ये हरा को तोड़ा है, और जर्द। अच्छा इसको तो कुछ करने की जरूरत है ना, ये तो सिर्फ बच्चों के लिए है, ये तो बड़ों के लिए है ही नहीं, ये बच्चों के लिए है। नीला, काला बोले, काला भाईजान 17% लगा के बोल रहे हैं भाईजान, में 17 लगाए बगैर बोला था आपने भाईजान, ये क्या लिखा? 4:35 काला हो गया, नीला, नीला 34 काला हो गया, नीला भी हो गया। अच्छा हरा तकसीम कर दिया आपने, हरा, हरा तकसीम कर दिया, और लाल, लाल भी हो गया। अब काले को, नीले को, हरे को और लाल को आपने मुझे बताने कहां लेके जाना है। पहले काले को, आपको पता है काले के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा था, तो पुराना काम याद है? पुराना काम तो नहीं भूल गया, पुराना काम तो नहीं भूल गया कि अभी टोटल करें इसका 1390। इधर लिखें 435, इसको तकसीम करें काले को, 435 डिवाइडेड बाय 1390। अब ये इस तरह करने की जरूरत नहीं है, 435 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 1260 डन। अच्छा मशीन वाला कितना? 34 को तीनों में कर रहे हैं तकसीम, कितना आ रहा है? 31 2 1। आपसे मुझे मदद चाहिए, मैं 3202 को कहां लेके जाऊं? यार ये सही है, 32 को इधर डाल दूं? लो जी आज तक कमाल हो गया, ये समझ आया? 32 को इधर डाल दूं? जगह थोड़ी छोड़ने को कहा था मैंने, 32 को इधर डाल दूं? और दो, इट इज परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल नॉट मशीन, इट इज परचेज ऑफ फॉर बोथ ऑफ दीज, कितना हो गया? 2। अल्लाह का शुक्र है ये समझ आ गया, 2। ये 2 इधर चला गया, ये परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल है जिसे डेड करना है 10। लेकिन यार अब इसका टोटल की जरूरत नहीं है, 32 × 2 = 10 के नीचे टोटल आ रहा है, टोटल की जरूरत नहीं है, बस छोड़ें। 435 को अलग तकसीम किया और फिर ये 32, 2 और 10 नीचे से लाए, डन। अब हमारा कोई नया काम नहीं है, अब न्यूमेरिकल में सारे पुराने काम, बस वर्किंग 2.1 ने जो देना था वो दे दिया हमें। अब आप बता दें इनको, इनका टोटल करना पड़ेगा? हाँ जी भाईजान इनका टोटल करना पड़ेगा, 426 27 26। और यार आप बता दें क्या करना है, एक मिनट इधर देखें बस, 26 और 1 को डेड कर देना, इसमें ये वाला 10 में कह रहा था निकालने की जरूरत नहीं थी पेपर में, वैसे निकाल लिया तो अच्छी बात है। 26 और 1 को डेड कर देने, 27 और 2 29 को रिफंड मांग लेना अमेरिकन की चिन्ह पे, और फिर रेड मार्कर से हम इसको शायद लगाते होते थे ऐसे, तो 1260 को उधर ले जाने, और फिर 426 के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड पुराने महीने वाला डालने, और 31 मशीन देखे, पता नहीं मशीन है या मशीन है वो देख लेंगे, और 31 को हमने फिर क्या कर दे, माइनस कर देना, डन। अब बता देना अमेरिकन के फेस पे माइनस क्या होना है, 426 और 31, और रिफंड कितना होने और डेट कितना होने, तो इसलिए इसको तो फारिग करें,
ये तो डेड हो जाना सारा, इसको आपने नजर रखनी है। डन। अब ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल का फेस आप भी घर से बना लें, मैं अपने घर से बना लूंगा, ये नहीं तारा कहाँ है घर, मैं अपने घर से बना लूंगा, अब अपने घर से बना लें, कल टैली कर लेंगे, ठीक है। एक एडजस्टमेंट हमारी रहेगी है, वो कौन सी है? आखिरी आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें। फेस हो जाएगा, वैसे हो जाएगा फेस, मेरे नहीं ख्याल को मसला होना चाहिए, फेस हो जाएगा। फर्दर टैक्स आज नहीं होगा वैसे, क्योंकि ये जीरो है, फर्दर टैक्स आपका कोई 3% नहीं होगा, ऐसे ही है ना। एक एडजस्टमेंट रहेगी है ना, दो रहती हैं। हो हाँ यार, सब्र करो यार, कोई नहीं कोई नहीं कोई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक एडजस्टमेंट और रहती है, कौन सी वाली? मशीन वाली, कोई मशीन में प्लस करने की जगह है हमारे पास, कोई मसला नहीं। मशीन ये आखिरी एडजस्टमेंट की टेंशन नहीं है मुझे, ये मैं कल भी करा दूंगा, क्योंकि ये फेस पे पोस्ट करनी है, ये फेस की एडजस्टमेंट है, ये इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा वरना कल कर लेंगे। आखिरी एडजस्टमेंट की टेंशन, ये मशीन, ये बताएं क्या एडजस्टमेंट है। आ मशीन, यार मशीन से तीनों चीजें बन सकती हैं, हाँ मशीन से टैक्सेबल सेल भी हो सकती है, जीरो रेट सेल भी हो सकती है, एग्जेम्प्ट सेल भी हो सकती है, लेकिन ये मशीन किस लिए है? आज तक तो ऐसे लिखा होता था मशीन इज इंपोर्टेड, अगर इतना सा लिखा होता मशीन इज इंपोर्टेड तो हम कहां डालते इधर? अब बता रहे मशीन किस लिए मैंने खरीदी है, सोचे फैक्ट्री के अंदर तीन काम हो रहे हैं ना हमारे, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट जीरो, ये मशीन किस लिए खरीदी है? फॉर यूजिंग, वैसे तो इसका फायदा कोई नहीं होगा लेकिन शो कर दें वर्किंग में, मशीन इज यूज्ड, शो तो करना होता है ना, शो एक्सक्लूजन, किसी चीज को एक्सक्लूड भी करने तो एग्जामिनर को शो तो करना है। ये मशीन किस लिए खरीदी है? फॉर बेबीज, एग्जाम्प्ट सेल, अम्मी अबू बीबी बच्चे, फॉर बच्चे, बच्चों के लिए चीज खरीदी वो तो जाया ही होनी है ना, डैडी होनी, पर मशीन यूज इन, ये फॉर को ना आज जाके आपने गले लगाने, जिस तरह ईद की तरह नहीं तीन दफा गले मिलते, ये जो फॉर है ना ये आज के न्यूमेरिकल की जान था। ओए होए, अच्छा जी ये मशीन किस लिए है? जैसे ही फॉर आए ना तो आपने घर में हाथ ऐसे छोड़ दिया करना है, मशीन फॉर छोड़ते करते 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 वर्किंग वर्किंग मशीन फॉर, मशीन फॉर एग्जाम सेल, तो वर्किंग 2.3। क्या परचेस किया भाईजान? मशीन परचेस की है फॉर बेबीज, तो इनपुट डेडी होने इसका, लेकिन निकाल लें, सात सात सत्रह लगाते रहे, 300 × 50 है, 50 × 17 9, ये 9 इधर डाल देना। अब ये टोटल ना जो 34 है 31 जमा 2 जमा 1 का टोटल है वो आपको पता है, ये 9 हमने एक्स्ट्रा डाला है आज, तो भाई इसको भी क्या करना है यार, डेड करना है, तो भाई ने ऐसे परेशान कर दिया था, एक एडजस्टमेंट रहेगी, लेकिन अच्छा हुआ बता दिया, ये भी डेड हो गया, जीरो रेट हमारा वही रहेगा और लक्ष्मी न्यूमेरिकल का फेस वही रहे। चलिए आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें भाईजन जी, क्या चीज है सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी, हमारा महीना कौन सा है और ब्रॉट फॉरवर्ड किससे है? तो 245 तो हमें खेलने की आदत है, 245 से आगे एक बला पड़ी भी है, इस डली भी बला को डला रहने देना है या निकालना है? द अमाउंट वॉज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट ऑफ 120 पेड ऑन केमिकल which could not be used and was consequently destroyed. ये use नहीं हो सका और फिर फरवरी में हमने सोचा इसको destroy कर दें। ये destroy हुई हुई चीज का input कल हमने क्या पढ़ा था? Dead हो जाएगा, तो बोलें total पुराना पुराना input कितना आ रहा है, लेकिन उसमें से एक चीज हमने क्या कर दी? Destroy, कल पढ़ा था destruction of goods के नाम से एक section, तो 245 में से minus करें 120, तो numerical के face पे ब्रॉड फॉरवर्ड कितना जाएगा? 125। अमेरिकल के फेस पे ब्रॉड फॉरवर्ड कितना जाएगा? 125। डन, ठीक है, अब जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, बाकी हजरात जो है वो बैठे रहे, तो हम अमेरिकल का फेस इधर बना लेते हैं, ठीक है, दो तीन मिनट, जिनकी क्लासेज हैं वो जा सकते हैं उठ से। क्या होमवर्क नहीं देना आज बस? अच्छा, किसी की क्लास नहीं कोई है तो उठ से जाते नहीं, कल फिर फेस, अपना फेस और हमारा फेस मैच कर लीजिएगा, नहीं होगा फेस कभी भी मैच, हाँ नहीं होगा, सही कह रहे हो, चलो बनवाओ यार फेस भाई जान, जिसकी क्लास है उसने खुद ही उठने। सेल कितनी है? 1 × 2 × 17। अबू बकर अगली क्लास में टाइम पे शुरू कर सकेंगे? ठीक है, 1 × 60 × 17% 214 लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड। एक्चुअल कितना? ये आखिरी एडजस्टमेंट डिस्ट्रॉय वाली समझ नहीं आई ना, तो कल मुझे याद करा दीजिएगा। एक्चुअल बोले, एक्चुअल कितना? एक्चुअल 426 और ब्रॉड फॉरवर्ड वो मैंने अभी सवाल में आपको निकाला। एक्चुअल कितना आ गया जी? 426 और ब्रॉड फॉरवर्ड
125 टोटल 5551 कंपेयर किससे करने है? कितना आ गया 193। अच्छा जी लोअर 193 बाहर क्या जाए 193 भाईजन कैरी फॉरवर्ड आएगा एंड पे न्यूमेरिकल के एंड पे कैरी फॉरवर्ड आएगा कैरी फॉरवर्ड कितना माइनस करना चाह रहे थे कितना हुआ कितना नहीं कर सके समझ आ रही है ना चीजें आसान 358। अच्छा जवाब बताएं 21 लेस इनपुट मशीन या मशीन अभी अभी देखते हैं मशीन है या मशीन आए मशीन का कितना है मशीना बाजी याद है अगर पेपर में भी आ सकती है मशीना बाजी घर में सवाल करते हुए भी आ सकती हैं और इस सवाल में भी आ गई क्लास में भी मैंने क्या कहा था अगर मशीन का इनपुट ज्यादा आ जाए तो आपने इसके साथ क्या लिखना है कैरी फॉरवर्ड या रिफंडेबल याद आ रहे हैं एक दिन क्लास में जाते जाते बात की थी तो इसका नाम बोलें मशीना रुखसाना नहीं क्या नाम है मशीना भाई कभी ऐसा हुआ नहीं था वैसे आता क्लास में कि मशीन का इनपुट ज्यादा आ गया हो लेकिन पास पेपर का क्वेश्चन 4 होमवर्क में दिया था उसमें ज्यादा था पास पेपर का क्वेश्चन 4 एक दिन होमवर्क सबसे पहले क्लास में दिया था होमवर्क में तो उसका इनपुट मशीन का कभी इनपुट ज्यादा आ जाए तो रिफंडेबल ना लिखिएगा क्या लिख दीजिएगा कैरी फॉरवर्ड डन एक लाइन रहेगी सवाल में फर्दर टेक्स्ट तो है नहीं 3% वाला एक लाइन रहेगी बोले 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 चिन्ह रिफंडेबल रिफंडेबल किस पे यार जीरो रेट पे 27 जमा 2 कितना हो गया 29 नहीं इस कैरी फॉरवर्ड को आप इधर ही शो करोगे अच्छा जी बोले आप क्या क्या आ गया हाँ इधर कैरी फॉरवर्ड इसी तरह आएगा इसका आई कैप पता कैसे लिखते हैं आई कैप ऐसे लिखते हैं सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड अब यार इसका पता है होता क्या है अगले महीने मशीन के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड होकर फिर यहां माइनस हो जाता है तो समझ आ गया सारा ये एक्चुअल इनपुट है ये ब्रॉड फॉरवर्ड 90% से कंपेयर किया मशीन का माइनस किया और चिन पे न्यूमेरिकल की क्या क्या आता है बोले रिफंडेबल ऑन टैक्सेबल सेल सॉरी रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल और कैरी फॉरवर्ड ठीक है ओवर क्लास